आज हम बात करने जा रहे हैं एजोमैक्स के बारे में। एजोमैक्स एक ऐसा कीमियाई जुजो है जो कि बहुत सी अकसाम के जरासीम के खिलाफ मुअसर असर दिखाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजोमैक्स मंदरजा झैल इन्फेक्शन में इस्तेमाल की जाती है, ज़ेर निज़ाम तनफस के इन्फेक्शन में, मसलन बलाई निज़ाम के तनफस के इन्फेक्शन में, दरमियानी कान का इन्फेक्शन और जल्द और सॉफ्ट टिशू के इन्फेक्शन, जिनसी अमराज। इसका इस्तेमाल यह है कि एजोमैक्स की खुराक मर्ज़ की शिद्दत और मनासबत, जगह की मनासबत, मरीज़ की उम्र और वज़न के मुताबिक दी जाती है। एजोमैक्स कैप्सूल या गोली को थोड़े से पानी या मशरूब के साथ निगला जा सकता है। अमूमी अफराद में एजोमैक्स 500 मिलीग्राम एक मरतबा रोज़ाना 3 दिन के लिए, या 500 मिलीग्राम पहले दिन, 250 मिलीग्राम एक मरतबा दूसरे से 5वें दिन तक दी जा सकती है। 6 माह से ज़ायद उम्र के बच्चों में 10 मिलीग्राम एक मरतबा 3 दिन के लिए, मियादी बुखार की दवा 5 रोज़ तक मुद्दत है इसकी। एजोमैक्स खाने से एंटी एसिड 1 घंटे या 2 घंटे के बाद लीजिएगा। एजोमैक्स खाने से अमूमन एजोमैक्स काबिल बर्दाश्त है, मगर कभी कभी मरीज़ों में हो सकता है कि कुछ अलामात ज़ाहिर हो जाएं। मतली, उल्टियाँ, दस्त, बेचैनी, रैश, सर दर्द वगैरह। इन मरीज़ों में जो एजिथ्रोमाइसिन से हसासियत रखते हों, एजोमैक्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिगर की बीमारियों में मरीज़ों को एजोमैक्स इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। जिगर की बीमारी में मुबतला मरीज़ों को इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। दवा को धूप गर्मी से बचाएं। इसकी 250 के 12 कैप्सूल हैं, ब्लिस्टर पैक है और 500 mg की 6 गोलियां हैं। इसके मियाद के मुताबिक इस्तेमाल करें। अगर ये आपको अच्छी चीज़ लगती है तो सब्सक्राइब कर लें।